एक्साइटेड हैं तो आप भी कैसे एक्साइटेड होने चाहिए, एक बार दिल से क्लैपिंग करें। आर्मी तक आवाज जानी चाहिए, है ना। मेरी अपलाइन है तो कैसी क्लैपिंग होनी चाहिए। राकेश एंड नीना राजपूत, प्लीज वेलकम। ओके दोस्तों नमस्कार। पहले नीना बात करेंगे और जो लोग थोड़े से बाहर बैठे हुए हैं उनको भी अंदर बुला लो और 4-5 मिनट में मैं लगाऊंगा। तो पहले नीना बात करेंगे और मेरा नाम राकेश है। मैं जॉब करता था आर्मी में और थैंक गॉड ड्यू टू दिस बिजनेस मैंने जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस को रन किया। पहले दिन से मैं समझ चुका था कहानी कि मैं जॉब के साथ साथ में बिजनेस को रन करूंगा और इस बिजनेस को बनाना है। मैंने बनाया साथ साथ में और जब जरूरत पड़ी तो मैंने प्रमोशन छोड़ के बिजनेस को कंटिन्यू करने का फैसला किया और मैं जॉब छोड़ के वापस आ गया। मैं 20 साल नौकरी करके आया हूँ। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी मुझे 20 साल पालने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। मैं बाद में बात करूंगा, पहले नीना बात करेंगी। बहुत स्ट्रांग लेडी है, मैं आर्मी में था उसके बावजूद भी इन्होंने मोर्चा संभाल रखा और बहुत सारे दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटर्स को संभाला इन्होंने। पहले नीना बात करेंगे, ओवर टू नीना जी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, नाम नीना रायपुत, रियासी से हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बड़े पैशन से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक्स करती हूँ भगवान का, अपने पेरेंट्स का, राकेश जी के पेरेंट्स का, जिनकी वजह से आज हम स्टेज पे हैं। दोस्तों थैंक्स करना चाहूँगी हमारे मेंटर्स, मेरी इमीडिएटली अपलाइन मेरे दीदी एंड जीजू जी आज इस दुनिया में नहीं है फ्रेंड्स, उनके लिए एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए। एक दिन हम हार मिल चुके थे कि जे बिजनेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। थैंक्स करते हैं भगवान का, हमारी बहुत सारी अपलाइन है, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, संजना दीदी जी, राय दीदी जी, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु अमन दीदी जी, जोर से दोस्तों क्लैपिंग होनी चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरे मायके वाले भी जहाँ पे हैं और दोस्तों आए हैं पहली बार, और ससुराल वाले भी जहाँ पे। थैंक गॉड। एक दिन ऐसा था कि हम लोग मतलब सोचते थे कि कहाँ से लोग आएंगे, पर इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर लीडर जहाँ पे, मेरी टीम से 250-300 लीडर जहाँ पे बैठा हुआ है। थैंक गॉड, जोर से क्लैपिंग चाहिए, और वो भी माता रानी के दरबार में, है ना। और बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रांग लेडीज जो सबसे आगे बैठी हैं, मैं उनका राकेश जी ही नाम उनका लेंगे, है ना, वो सबसे आगे लीडर्स बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं मतलब प्लेटिनम नहीं गई हूँ, मैंने आप लोगों को देख देख के इस बिजनेस को बिल्ड किया है। एक दिन ऐसा था कि जब रियासी में जब बिजनेस स्टार्ट किया, मीटिंग देखी थी, तो मुझे राकेश जी ने बोला कि नीना जी आपने नाम बताना है, और मैं रुकती थी, आज भी रुकती हूँ, पर मैंने जब 8-10 लोगों को देखा ना तो मैं डर गई, है ना। उससे पहले मैं जब हमारे घर में कोई आता था तो मैंने ऐसे करके देखती थी, पर थैंक गॉड एम्बे ने हमें इतना मतलब सेलिब्रेट बनाया। दोस्तों बनना है तो अमन दीदी जैसे बनना है, आम लोगों के जैसे नहीं बनना है ना। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं दुनिया का नंबर वन, है ना। थैंक्स करती हूँ भगवान का कि राकेश जी को जिस बिजनेस समझ आया है दोस्तों, है ना, मर जाना था घर के मतलब काम कर करके। राकेश जी के आने पे मुझे मतलब अपने मायके से, है ना, कहीं से मुझे मतलब फोन नहीं आया, जो रास्ते में थे मुझे फोन मेरे मेंटर्स गुरु अमन दीदी जी का आता है कि नीना जी फटे चक देने, है ना। हमने ड्रीम लगाई हुई है दोस्तों, वो उसकी स्टोरी बाद में राकेश जी बताएंगे, पर हमने ड्रीम के साथ लिखा था मिशन। और सुखविंदर भैया जी, राय दीदी जी जो स्ट्रक्चर बताते हैं ना, उन्हीं पे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है बहुत जल्दी, है ना। मर जाना था, मैंने पूरे रिश्ते उठा के गांव में जाके, है ना, पर आज कितने सारे लीडर्स को हम, है ना,
विजयपुर, जम्मू है ना, रियासी, धर्माड़ी, कहाँ कहाँ से हमारी टीम के लीडर जहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों बहुत प्यारा बिजनेस है ना, आर्टिस्टी लगाते हैं, न्यूट्रलाइट करते हैं और बहुत सारे लीडर्स को होप दे रहे हैं, है ना। अगर आपने इस बिजनेस को बिल्ड करना है, अगर आपके ड्रीम है, तो दोस्तों 5 साल की गेम है। अगर आपने 90 साल तक लेना है, वो मुझे रवि भैया जी की याद आती है कि 90 साल तक इस बिजनेस को लेना है, जब 5 साल की एज के अंदर अंदर इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो थैंक यू सो मच, मैंने शायद ज्यादा ही टाइम ले लिया। और जाते जाते मैं यही कहती हूँ कि जितने भी लीडर्स जहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार इनके लिए और मेरे गुरु के लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, मजा आया। एक बार नीना जी जब अपनी बात बताने लगे ना, तो एक लेडीज सामने बैठे हुए थे, आज से कुछ साल पहले की बात है, कहते राकेश जी आप तो बिजनेस कर लोगे, बोलबाल लेते हो, पर कहता नीना जी का मुश्किल है, कहता ये अड़कते हैं। मैंने बोला जब माइक हाथ में जाएगी ना कुछ सालों के बाद, तो देखना लोग इन्हीं को सुनेंगे। क्योंकि मेरा नाम राकेश जैसे बताया, और मैं जॉब करता था आर्मी में, है ना, और जॉब शुरुआत हम गांव से रहने वाले रियासी डिस्ट्रिक्ट का एक दूर दराज इलाका है अरनास मतलोत, वहां हमने एक गांव में जन्म लिया और गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की। एक छोटा सा गांव है, पर वो गांव इतना भी छोटा नहीं हो सकता जिसने मेरे जैसा जोधा पैदा किया हुआ है ना। मैं अपने आप को जोधा समझता हूँ, वैसे आप लोग समझते हो, है ना, और जोधा है भी क्यों नहीं, क्योंकि हम अमन दीदी और बलजीत भाजी की टीम से है, है ना। और उसके बाद स्टार्टिंग स्कूलिंग जो थी वो मसलोत प्राइमरी स्कूल में चली, फिर अरनास आना शुरू कर दिया। 7-8 किलोमीटर गाड़ी में चलते थे, 4 किलोमीटर पैदल आते थे, है ना। डैडी सरपंच थे गांव के, पर सरपंच अगर ईमानदार हो तो घर पे कुछ भी नहीं आता, है ना। तो हमारे कच्चे मकान थे, और मैं कई बार सोचता था, मैं बोला यार कच्चे मकान है घर पे, और लोगों के पक्के पक्के मकान देखते थे, है ना, और मैं सोचता कई बार, मैं बोला यार पक्के मकान तो होने चाहिए, इतनी ईमानदारी भी किस काम की, है ना। पर थैंक गॉड, कहते बच्चों को अकल नहीं होती है, ये पूरी उन्होंने जो ईमानदारी से काम किया उसी की मेहनत का नतीजा है कि आज हमें जो आगे बिजनेस मिला और इतनी सारी हमारी टीम। और नहीं तो एक फौज में नौकरी करते करते जहां पर बिजनेस से लोग कोसों दूर रहते हैं, वहां हमने बिजनेस बिल्ड कर दिया, है ना। और हमारी इमीडिएट अपलाइन मेरे साधु साहब जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, और मिस्टर परमजीत सिंह जी, मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए क्लैपिंग, आज दुनिया में, है ना। मेरी साली साहिबा आज वो हमें सेलिब्रेट करने के लिए जहाँ पे आई हैं, वो अपनी जगह पर खड़ी होंगे। मैं जशोदा दीदी के लिए, मैं चाहता हूँ उनके लिए आप क्लैपिंग कीजिए, बहुत स्ट्रांग लेडी है, और इन्होंने सैक्रिफाइस करते हुए और हमारा आज भी साथ देते हैं। और बहुत आगे बात करूँ तो इनकी अपलाइन मिस्टर हरनाम सिंह जी और संजना भाभी, उनके बारे में कुछ बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं। उसके बाद नगेंद्रा जी, डॉक्टर अंजना और एक मिस्टर आर के बख्शी, स्टार्टिंग में उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, है ना। हम उनको फॉलो करते थे स्टार्टिंग में, वो रेलवे में, मैं सोचता था कि यार रेलवे में कितना ऊंची पोस्ट में बंदा बैठा हुआ, इसको बिजनेस की क्या जरूरत है ना। और वो आर्मी गेट पे मुझे सामान देने के लिए आते थे, मुझे तब पता चला कि इस बिजनेस में ना बहुत ज्यादा हेल्प होती है। उनकी अपलाइन में सुखविंदर भैया और राज दीदी बहुत हेल्प करते हैं, उन्होंने यहाँ पे रियासी में बिजनेस को बहुत बढ़िया बिल्ड किया है। और उनकी अपलाइन का नाम सुनना चाहते हो, हमारे मोटर्स का नाम सुनना चाहते हो, तो उनके लिए जोरदार क्लैपिंग, अमन दीदी एंड बलजीत भैया, इनकी मेंटरशिप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्या आप सब लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस बिजनेस की जर्नी में बहुत सारे लीडर्स ने मेरा साथ दिया, है ना। और स्पेशली जब कोई न्यूट्रलाइट के बारे में मुझे बात करनी होती थी, तो मैं स्पेशली गगन दीदी और प्रभजोत भैया जी से बात करता था, डॉक्टर गगन दीदी और प्रभजोत से, उनको मैं कॉल करके पूछता था कि दीदी ये वाला अभी सामने पेशेंट आ गया तो इनको क्या रिकमेंड कर सकते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया और बहुत सारे लोग ठीक होना शुरू हुए और मेरा नाम चलना शुरू हो गया और न्यूट्रलाइट धड़ाधड़ ऑर्डर आने शुरू हो गया, है ना। तो देखो ये कितना हेल्पिंग एटीट्यूड का बिजनेस है, है ना। गगन दीदी के साथ कोई वो नहीं है, सिर्फ एक अमन दीदी की सिस्टर है, और उनके साथ ही अमन दीदी की सिस्टर तो हमारी भी सिस्टर है ना। तो कहने का मतलब है कि हमने उनकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दी, है ना। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स हैं, ये सामने जो आज के होस्ट है ना, वेदप्रकाश शर्मा जी और सपना दीदी, हमारे सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं आर्मी में था और मुझे बिजनेस के साथ में इतना कनेक्टेड नहीं था,
पर मैंने इनको देख देख के साथ साथ में चलना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने भी कभी कोई चीज बताने के लिए कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने जैसे अब भाई मिलकर चलते थे वैसे ही आज भी चलते हैं। कहते हैं राकेश ने इतने सालों में बिजनेस में क्या कमाया, मैं बोलता हूँ कि आज बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ कई बार नए नए बंदों को, वो अपलाइन का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। पर मैंने बोला कि मैंने इस बिजनेस में आके ये कमाया है कि मेरे ग्रुप में एमरल्ड कपल, रजनी दीदी और रवि भैया भी मेरा नाम लेते हैं और कहते हैं बड़ा प्राउड फील होता है, मीटिंग्स में कहते हैं कि बड़ा प्राउड फील होता है कि राकेश सर और नीना दीदी मेरे ग्रुप में, बे प्रकाश भैया और सपना दीदी हमारा नाम लेते हैं, बहुत सारे फाउंडर प्लेटनर्स। मैं चाहता हूँ एक बार मेरी टीम के सक्सेस देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ सिल्वर एंड अबव एक बार मेरी टीम के खड़ी हो जाए, मैं उनके तालियां बजवाना चाहता हूँ, सिल्वर एंड अबव। सिल्वर वो होता है दोस्तों जिसके रूप में 10 लाख की सेल हो रही होती है, है ना। और जे कमाया मैंने लाइफ में नौकरी के साथ, प्लीज आप अपनी सीट लें, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सिल्वर एंड अबव। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी टीम की, मैं अपने बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी बिजनेस में आके सीखा है। एक समय ऐसा आया था बिजनेस में जहां पे हम टूट रहे थे, और तब हमें अमन दीदी ने, स्पेशली अमन दीदी ने हमें संभाला, स्पेशली अमन दीदी ने वहां पे संभाला। और बलजीत भैया जी ने ये चीज बोली थी कि राकेश जी जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपकी सक्सेस बहुत नजदीक है, बस ये चीजें आप फॉलो करो। इसीलिए जहां पर कहते हैं कि अपने मेंटर काउंसलिंग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेरे घर से कुछ लोग आए हैं, मेरे भाई साहब आए हैं, मेरे दीदी आए हुए हैं, है ना। तो मुझे ये बिजनेस क्यों बिल्ड करना पड़ा पता, मैंने गरीबी देखी हुई है। कुछ लोग मैं देखता हूँ पेरेंट्स की मदद नहीं करते, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा प्राउडली बताता हूँ कि जब मैं 12th की ट्यूशन पढ़ रहा था तो ट्यूशन में देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे माँ ने मृदिये बेच के ट्यूशन के पैसे दिए थे। और मैं अपने परिवार को गरीबी मुक्त करना चाहता हूं ताकि मेरी आने वाली नस्लों को गरीबी से ना लड़ना पड़े, मैं इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। हो सकता है रिश्तेदारों को या मेरे रिलेटिव्स को ये चीज होती होगी कि राकेश कोई घर पे फेस्टिवल होता है आते नहीं है, आजकल थोड़ी देर की बात है, आजकल देखता हूं मैं अमन दीदी और बलजीत भैया को पक्का जाते हैं, जरूर जाते हैं जहां जहां पे कोई फेस्टिवल होता है। तो हम भी 2-4 सालों के बाद ना सारे फेस्टिवल निभाने वाले हैं, स्पेशली डॉक्टर विजय जसाथिया जी और कैलाश दीदी, मैं कई बार इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप आए मेरी टीम में और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें और टीम को हौसला दें। और ये कभी भी नहीं कोताही करते हैं, ये आते हैं, एक दिन गाड़ी ड्राइव करते करते इन्होंने 45 मिनट हमारी टीम के लिए लगाए। सक्सेस मैं कहता हूँ कि पता नहीं किसकी किसकी वजह से आप लोग सक्सेस होते हैं। और प्लैटिनम मेरी भी नहीं जाना क्यों जरूरी था, उसके पीछे भी राज है। मैं अपनी मदर से बड़ा प्यार करता था, है ना। लास्ट ईयर मई महीने में मेरी मदर ने दम तोड़ दिया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और मैंने उसी दिन ठाना था, मेरी मम्मी कई बार कहते कि कब तू स्टेज बड़ी स्टेज पे जाएगा और मैं तेरे को सुनना चाहती हूँ, है ना। पर थैंक गॉड मैं उनकी जिंदगी में सफर पूरा तो नहीं कर सका, पर मैं चाहता हूँ मेरी मदर के लिए एक बार जोड़ता कहते। उनका नाम भी भगवती था और वो थे भी भगवती, है ना। बहुत सपोर्ट करते थे, जिन्होंने अपनी मृतियां अपने गहने तक मेरी पढ़ाई के लिए बेच दी, है ना। और मैंने भी ठान लिया था कि मई महीने में मेरी मदर की डेथ हुई है, मैंने मई महीने में ही प्लैटिनम जाना है ना, तो इसलिए मैं मई महीने में प्लैटिनम हो गया। चैलेंज की बात करता हूं, लोगों को कहते हैं चैलेंज आते हैं, आपको पता होगा कुछ लोगों को, कुछ को नहीं पता होगा। प्लैटिनम शिप हम जा रहे थे तो 31 तारीख हमने ड्रीम लिख के लगाया हुआ था, 31 मई को हमने प्लैटिनम जाना है, पर उस दिन बन गया प्रोग्राम कि नहीं हमने 30 को ही जाना है। पर रब को जो मंजूर होता है वो होता है दोस्तों। 30 तारीख को हम मेरे ग्रुप के लीडर्स थे, कुछ तो उनके साथ प्लान कर रहे थे, उनकी पिने चेंज होने वाली थी, है ना। हम तो प्लैटिनम बहुत पहले 2-4-5 दिन पहले ही हो गए थे, पर ग्रुप के लिए काम करना था तो मैंने सोचा कि 30 तारीख को हम मैसेज डाल देंगे। पर 30 तारीख को मैं और नीना सुबह जल्दी निकले, 10 बजे हम घर से निकल गए और 11:30 बजे कॉल आता है, कहते आपकी ना एसी में आग लग गई है। दोस्तों एसी से आग लगी, वो आग कमरे में फैल चुकी थी और कमरे के पीछे स्टोर था, जितना सामान था वो सारे का सारा जल गया, जो कपड़े लगाए हुए थे बच गए। पर हम इतने कमजोर नहीं थे कि हम अपने ड्रीम को छोड़ देते, क्योंकि सपना मेरा नहीं था, सपना बहुत सारे मेरे ग्रुप के लीडर्स ने सपना लिया हुआ था। हम 31 तारीख को प्लैटिनम गए, डंके की चोट पे थे और जितने लीडर्स हमारे टीम में थे उन्होंने अपनी अपनी पिने चेंज की। टीम क्या होती है,
जब रस्ते में आ रहा था मैंने पहली एक ही बात की बोली कि मैं बोला बच्चों को बाहर निकाल देना, बच्चों को बाहर निकाल देना, क्योंकि और किस्मत अच्छी थी कि बच्चों ने एसी लगाया हुआ था और उसके बाद कहते हैं कि हम नहा धोके ना फिर एसी के आगे लेते हैं, क्योंकि बच्चे एक बार बच्चों के लिए क्लैपिंग हो जाए, वो चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं आजकल, छुट्टियों में जम्मू आए हुए। तो एक वाशरूम में नहा था, दूसरा बाहर खड़ा था, सिस्टर का बेटा भी आया हुआ था और वाशरूम में थे और पीछे से एसी में, तब तक पता नहीं कैसे आग लगी, कोई पता नहीं है ना, और बच्चों को ढूंढने लगे, बच्चे वाशरूम से निकले तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। और मैं जब वहां पे पहुंचा तो फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां लगी हुई थी, मीडिया थी और 300-400 आदमी आग बुझा रहे थे, बड़ी भ्रमना की बात। और मेरे साथ गाड़ी में उस वक्त मेरे ग्रुप की स्टार लीडर दीपक दीदी बैठे हुए थे, सुनीत कौर दीदी बैठे हुए थे, कह रहे थे कि भैया क्या कह रहा उस कमरे में, वाला और चाहे जो कुछ भी जल जाए, पर मेरी डिस्चार्ज बुक वहां पे उस बक्से में पड़ी हुई है और साथ में बच्चों के डॉक्यूमेंट पड़े हुए, वो बच जाने चाहिए। और जैसे मेरे से पहले ये चढ़के ऊपर आए और वो गरम गरम बक्से में दीपक दीदी और सुनील दीदी ने हाथ मार के वो फाइल बाहर निकाल के, और दोस्तों वो फाइल के बीच में ना फायर से सारी जल चुकी थी बक्से के अंदर, वो बीच में वो डिस्चार्ज बुक जो थी, वो जो पैकेज होते हैं लिफाफों के, उसके बीच में बिल्कुल सेफ थी, है ना। और मैं देख रहा था उधर कि मैंने बोला इन्होंने जलने की भी परवाह नहीं की, जी होती है टीम में, जहां पर अपने परिवार की तरह आपकी टीमें आपके साथ निभाना स्टार्ट करती हैं दोस्तों, है ना। तो हमने चैलेंज से कभी घबराया नहीं, हम चैलेंज मैंने नीना को उसी दिन बोला था और मेरे परिवार के सदस्य जिसको जिसको जहां पता लगा मैंने बोला आगे क्या करना है, जहां पे अब जो होना था हो गया, पर फिर भी मेरी सिस्टर जीजे ब्रदर सब सारे आए वहां पे पता करने के लिए। तो कहने का मतलब है चैलेंज लाइफ में आएंगे दोस्तों, चैलेंज से आपने घबराना नहीं है, अभी हमने शुरुआत की है। अगर मैं जो बिजनेस को बिल्ड नहीं करता तो क्या करता है बताओ। मैं 20 साल नौकरी करने के बाद आकर ना दोबारा जहां श्राइन बोर्ड में सिक्योरिटी की नौकरी ढूंढ रहा होता, जहां एटीएम के बाहर खड़ने के लिए सलूटे मारने के लिए तैयार होता, पर ये चीज मुझे बहुत साल पहले पता चल चुकी थी कि राकेश अगर आज तुमने अपने आप को संभाला नहीं तो लाइफ जो है ना वो कचरा होने वाली है। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, जॉब बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर आप जॉब के साथ साथ में बिजनेस बिल्ड कीजिए, जॉब के साथ साथ में बिजनेस बिल्ड कीजिए। आज भी बहुत सारे लोगों को हमने कॉल की कि आप चलो वहां पे मीटिंग्स होने वाली है, हमारी सेलिब्रेशन है, आपकी सेलिब्रेशन है। कुछ लोग 6% थे, 9% थे, वो सेलिब्रेशन मीटिंग में नहीं कहते, आज हमारा देते का मेल है। तो मैं बोला तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको प्रायोरिटी देते हो, हमने तो बिजनेस को प्रायोरिटी दी हुई है, बाकी चीजें पोस्टपोन हो सकती है पर हमारी प्रायोरिटी पोस्टपोन नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाली जनरेशन जहां से हमें पहचान बनने वाली, अगर इस बिजनेस में राकेश और नीना नहीं होते तो आज कितने लोगों ने सुनना था, कितने लोगों ने प्यार करना था, है ना। ये इस बिजनेस की सारी खासियत है। और मैं कविता के साथ जो है वो मैं अपना जहां पर समाप्त करूंगा, नेक्स्ट पिन पे फिर आपसे बात होगी। कहते लहरों पर चलकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्हे चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रखो मैं साहस बढ़ता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना यही यहां बढ़ता है, फिर भी उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां गोताखोर सिंधु में जा लगाते हैं, जा जाकर फिर खाली हाथ लौट आते हैं, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, फिर भी उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरा अंतिम पद है, उसको ध्यान से सुनना। कहते असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई सोचो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। ग्रेट दोस्तों, क्लैपिंग कैसी होनी चाहिए। दोस्तों आगे